मित्रों एचआरडी टॉपिक के अंदर सेंसस देख लिया, एजुकेशन देख लिया, अभी फोकस करेंगे हेल्थ केयर ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स दिया है, वर्ल्ड बैंक वाले ये इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं अपने लिए, प्रीलिम में इतना ही काम का है। भारत का क्या रैंक है वो सब याद रखने का मतलब नहीं, एंड एज यू कैन एक्सपेक्ट भारत एकदम खड्डे में गया होगा। 2016 बजट में हेल्थ केयर के बारे में क्या नई बातें करी गई, जेनेरिक ड्रग सस्ते में गरीबों को मिल सके उस लिए प्राइम मिनिस्टर्स जन औषधि योजना, इसके नए 3000 स्टोर खोलेंगे। एज सच इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना तो है ही, बट वहाँ पर शर्त यह है कि आपने मरना होगा या आपने परमानेंटली डिसेबल हो जाना होगा तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। बट वॉट इफ देर इज सम अदर हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर, तो हेल्थ इंश्योरेंस की एक नई स्कीम लेके आएंगे। पर फैमिली 1 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा और अगर सीनियर सिटीजन हो तो एडिशनल 30,000 रुपीज़। और ये भी मतलब सरकार अपनी जेब से नहीं, आपने प्रीमियम भरना होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स विल मूव ऑन। डायलिसिस करवाना हो हर सेशन 2000 रुपये में पड़ता है, तो गरीब लोगों को ये इट इज़ अन अफोर्डेबल, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से नेशनल डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम, सस्ते में गरीबों को ये सेवा मिले प्रयत्न किया जाएगा। और इसी के लिए जो भी साधन स्पेयर पार्ट बाहर से लाने होंगे तो वहाँ पर टैक्स ड्यूटी उन सब में सुविधा की जाएगी। एज सच हेल्थ केयर रिलेटेड ज़्यादातर स्कीमें दे फॉल अंडर द कोर स्कीम्स, मतलब सेंट्रल स्टेट कॉस्ट शेयरिंग क्या होगा 60-40 या 90-10। सबसे बड़ी यहाँ पर स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके दो भाग है, एक है रूरल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अर्बन हेल्थ मिशन कहाँ पर लागू होता है, इंडिया ईयरबुक बोलता है कि 50,000 या उससे ज़्यादा आबादी हो ऐसे शहरों में, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि 30,000 या 30,000 से ज़्यादा आबादी हो उन शहरों में ये लागू होता है। कौन सा आंकड़ा सही गिने, वेल सर्वे ज़्यादा लेटेस्ट प्रिंट किया गया, देन वी विल गो विद द सर्वे कि 30,000 से ज़्यादा आबादी वाले में अर्बन हेल्थ मिशन। क्या अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर आशा वर्कर होती है, जवाब है हाँ, वहाँ पर भी होती है। बट एज यू कैन एक्सपेक्ट कि ये रूरल अर्बन के अंदर सरकारी हेल्थ केयर पर्सोनल उनकी बहुत शॉर्टेज रहती है, वही सर्वे ने क्रिटिसाइज किया है। और एक बात, ये हेल्थ हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कैंसर, इस प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल, चेपी नहीं है, इस प्रकार के रोग भी आजकल बढ़ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए एक जॉइंट प्रोग्राम बनाया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री दोनों साथ में मिलकर करेंगे। और क्या, मिसेलेनियस बातों में रोगी कल्याण समिति, मतलब सरकारी हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ पर आजू बाजू में रहने वाले लोगों की एक समिति, ट्रस्टीशिप जैसा बनाया जाएगा, एंड दे विल ओवरसी कि हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिल रही है कि नहीं। एम्बुलेंस के लिए नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 2 नंबर है, 108 एक्सीडेंट ट्रॉमा इमरजेंसी के लिए और 102 नंबर, वो भी ये काम तो करता ही एक्सीडेंट ट्रॉमा वाला, बट मेन फोकस इज ट्रांसपोर्टिंग प्रेग्नेंट वीमेन अंडर द जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एंड दैट लीड्स टू अवर मेन टॉपिक, ये मदर एंड चाइल्ड के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। मैटरनल मॉर्टालिटी रेट, मतलब 1 लाख बच्चे पैदा हुए उसके सामने कितनी महिलाएं विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी उनका मृत्यु हो गया महिलाओं का। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टारगेट की ये 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार अंडर 5 मॉर्टालिटी बच्चों की 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट भारत के अंदर सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि हाँ वी हैव ऑलमोस्ट अचीव दिस थिंग्स, लेकिन UNDP उसका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो बोलता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जहाँ अपना टारगेट था कि 140 होना चाहिए उसके सामने भारत में मैटरनल मॉर्टालिटी इज 190, तो अभी तो बहुत लंबी पारी खेलनी है, बहुत कुछ रिफॉर्म्स लेने हैं। चाइल्ड मॉर्टालिटी रिलेटेड फार्मूलाज, 1 लाख लाइव बर्थ्स हुए उसके सामने कितने बच्चे विद इन 29 दिनों के भीतर ही मर गए, दैट विल बी नियोनेटल मॉर्टालिटी रेट, और कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाए पहले मर गए, दैट विल बी इन्फंट मॉर्टालिटी रेट। 0 से 4 साल की एज में कितने बच्चे हैं और उसके सामने कितने मर गए वो आप निकाले, देन यू विल गेट चाइल्ड मॉर्टालिटी रेट। अब कौन सा आंकड़ा कितना है, लाइक दैट कॉस्ट बेनिफिट नॉट सो हाई, समय मिले तो देख लेना ठीक। तो मतलब कि मैटरनल मॉर्टालिटी, चाइल्ड मॉर्टालिटी, कुछ काम बराबर अपना नहीं हो रहा है। इससे लड़ने के लिए, उपाय के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई, एक एक करते के क्रोनोलॉजी वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले आया जननी सुरक्षा योजना, नाम से ही सीधा है, जननी सुरक्षा मतलब प्रोटेक्ट मदर, मदर को कैसे हम MMR कैसे कम कर सकते हैं, घर पे नहीं वो हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना की इनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ताकि MMR कम हो जाए।
उसके बाद नया लेके आए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री डिलीवरी, इवन सीजेरियन डिलीवरी करनी हो तो वो भी फ्री, प्लस जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, तो शिशु मतलब एक साल की आयु तक के बच्चों, उनको भी ड्रग डाइट ये सब की सुविधा, और 102 नंबर एम्बुलेंस में ये जननी शिशु सुरक्षा में महिलाओं को ले जाने की सुविधा तो है ही। यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म ये चलता है कि ये सीजेरियन डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट लेके आते हैं, उनको एडिशनल पैसा मिलता है नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सीजेरियन डिलीवरी में, तो जहाँ ना भी ज़रूरत हो तो भी वो बेफिजूल सीजेरियन डिलीवरी करते रहते हैं ताकि उनको JSSY में ज़्यादा पैसा मिलता रहे, बट दैट इज़ हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड। थर्ड, ये दो स्कीम तो थी ही, बट 2016 आते आते मोदी ने बोला कि एक और नई स्कीम करते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9वीं तारीख को स्पेशलिस्ट द्वारा उनका चेकअप किया जाएगा, जहां ऐसे सरकारी स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो प्राइवेट स्पेशलिस्ट की भी मदद ली जाएगी, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। खैर ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री वाले चला रहे हैं, और यहाँ मेन क्या है कि मेडिकल चेकअप मुफ्त में करेंगे, डिलीवरी मुफ्त में करेंगे, उसके सामने महिला बाल विकास मंत्रालय क्या कर रहा है। ये एक लेबरर वीमन है कि वो जितने दिन काम पे नहीं जाएगी उसको पैसा नहीं मिलेगा, सो इवन व्हेन शी इज प्रेग्नेंट और इवन आफ्टर डिलीवरी वो आखिरी समय तक काम करती रहेगी, और जन्म के तुरंत बाद भी वो वापस काम में लगी जाएगी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हर चाइल्ड्स हेल्थ। इसलिए महिला बाल विकास वकील लेके आए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जहाँ पर कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र दिया जाता है ताकि ये जो लेबरर और ऐसे गरीब महिलाएं हैं उनका जो भी वेज लॉस हुआ वो सामने कंपेंसेट हो जाए, ताकि वो घर पे आराम करें और बच्चे की देखभाल करें। फिर आगे वर्किंग वीमेन है तो उनको बच्चों को संभालने के लिए वो गोड़िया घर क्रैशेज, तो उसके लिए भी एक स्कीम महिला बाल विकास वाले चलाते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी भी हो गई, बच्चा भी पैदा हो गया, नाउ व्हाट? टीकाकरण वैक्सीनेशन, उसके लिए इंद्रधनुष योजना 2014 से लेके 20 तक ये चलेगी, मुफ्त में सबका वैक्सीनेशन करना है, बालकों का करना है, यस गर्भवती महिलाओं का भी वैक्सीनेशन करना है फॉर टीटेनस, ये आप याद रखना, केवल ओनली चिल्ड्रन लिखा हो देन दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। इंद्रधनुष मतलब 7 डिसीज होंगे तो ये वाले घर पे पढ़ लेना। इसके अलावा भी कुछ राज्य जो बहुत खड्डे में गए हैं तो वहाँ जापानीज इंसिपिलाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा भी, इनके बिल एडिशनल टीके दिए जाएंगे, मतलब ये तो है ही, प्लस 7+2 9 टोटल चलेगा। अब बच्चा भी पैदा हो गया, टीकाकरण भी कर दिया, अभी स्कूल में जाने लगा, तब उसकी स्वास्थ्य के लिए क्या? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उद्देश्य है कि अर्ली डिजीज एंड डिसेबिलिटी डिटेक्शन, जैसे कि बच्चे को स्कूल में ही आप चेकअप करो, उसको चश्मे का नंबर आया है कि नहीं, हार्ट वाल में तो कोई तकलीफ नहीं, फिर आपने देखा होगा कुछ लोगों को यहाँ पे बीच में होठ कटा हुआ होता है, क्लेफ्ट लिप, तो वो भी अगर व्हेन दे आर यंग उसका पता चल जाए तो उसको भी रोका जा सकता है, सो इस प्रकार से डिसेबिलिटी और डिजीज का अर्ली डिटेक्शन किया जा सके, उसके लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अभी बालक थोड़ा और बड़ा हो गया तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, लाइफ स्किल, सेक्सुअल हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड थिंग्स, और वो दारू और ऐसी कोई लत में ना लग जाए उसकी लिए काम करेंगे, दैट वॉज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। और ये दो तो थे ही, फिर सरकार को वापस अपना आ गया कि नहीं उससे पहले वाला कुछ रह गया है, तो इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, मतलब ये 28-29 दिन के भीतर ही बच्चे की मृत्यु हो जाए, वो जो आंकड़ा है उसको हमने सिंगल डिजिट में कर देना है बाय 2030, वो उद्देश्य है। कह रहे तो मतलब देखो जो मन में आया स्कीम चलाई रही है सरकारें। तो इकोनॉमिक सर्वे ने अपने वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 मदर एंड चाइल्ड में क्या अवलोकन दिया है, दे हैव रेकमेंडेड अर्ली लाइफ इंटरवेंशन, कारण दिए प्रेगनेंसी के दौरान महिला की वजन बढ़े, दैट इज डिजायरेबल, बट कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भारतीय महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान उतना वेट नहीं बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस माल न्यूट्रिशन एंड अदर इश्यूज, जिसके चलते उनका बच्चा भी कमजोर पैदा होता है, और कमजोर बच्चा है तो मोर चांसेस ऑफ डेथ विद इन नियोनेटल फेज, वो 28-29-30 दिन के भीतर ही वो मर जाएगा, एक बात। सेकंड, कोई बच्चा अगर इफ ही इज टॉल और फैट देन उसकी रीडिंग कैपेसिटी शॉर्ट और थिन किड के सामने ज़्यादा होती है, मतलब ऊंचा टॉल हट्टा कट्टा बच्चा दे आर बेटर स्टूडेंट्स, ऐसा सर्वे बोलता है। अभी आप 1+2 कंबाइन करो कि माता का भी वजन बढ़ना चाहिए और बच्चे का भी वजन हाइट बढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या? तो इन दोनों को फूड आयन
आयोडीन सप्लीमेंट्स और ऐसी सब पोषक चीज़ें, गिव इट टू प्रेग्नेंट मदर आफ्टर प्रेगनेंसी और बच्चा 5 साल की आयु तक, इन सबको आप दीजिए, देन इट विल बी मोर डिजायरेबल और सस्ते में ही आपका काम हो जाएगा, बच्चा टॉल फैट वो पैदा होगा एंड ही विल स्टडी हार्ड, कंपेयर टू कि आप ऐसा कुछ भी ना करें, देर इज सम शॉर्ट एंड थिन किड, है ना, और फिर एनजीओ प्रथम वाले आसे रिपोर्ट में लिख के आते हैं कि 48% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रीड क्लास 2 टेक्स्ट, तब जाके फिर आपको नहीं नहीं अब पढ़े भारत बड़े भारत करो, और फिर शिक्षकों को आप बोलो कि स्कूल के बाद 2 घंटे और बच्चों को पढ़ाना है लाइक दैट, तो अभी वो बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या सुधरेगा, है ना। सो बेटर वो सब बाद में जाके आप दवाइयाँ शुरू करो कि ये रीडिंग स्किल के लिए ये करेंगे वो फलान डिम का, उसके बेटर यू डायरेक्टली गिव बेटर फूड सप्लीमेंट टू मदर एंड चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 5। ये प्रकार का अर्ली लाइफ इंटरवेंशन जरूरी है, सस्ता पड़ेगा, उम्दा रिजल्ट दिखाएगा, ऐसा सर्वे बोल के गया। इन द सेम लॉजिक ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच जाना भी बंद करिए, बिकॉज दे हैव यूज सम टर्म्स। एक एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी, बार बार बच्चा खुले में शौच जाता है तो वहाँ से उसको बैक्टीरिया कीटाणु लग जाते हैं, जिसके चलते देर इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन द इंटेस्टाइन, अंतड़ियों में हमेशा वो सुजावा रहता है, तो फिर वो कुछ भी काजू बादाम खाए उसका वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो शरीर पे दिखेगा नहीं। सेम वे ये खुले में शौच जाने वाले लोगों को बैक्टीरिया ये सब लगता रहता है, तो ओपन उनको डायरिया दस्त की समस्या, तो बच्चा जो भी आप खिलाओ उसके पेट में रहेगा नहीं खास और शरीर पे दिखेगा नहीं। और जो बच्चे खुले में शौच नहीं जाते, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच जर्म्स और वो दे आर टॉलर एंड फैटर, और हमने पहले ही बात कर दी कि भाई टॉलर एंड फैटर किड्स आर बेटर रीडर, ठीक है। सो बाय ऑल दिस लॉजिक, एक तो कि सबको महिला बालकों का ओपन डेफिकेशन बंद कराओ और उनको फूड आयन सप्लीमेंट दो, दैट टाइप ऑफ अर्ली लाइफ इंटरवेंशन विल प्रोड्यूस मोर बेटर रिजल्ट, ऐसा सर्वे बोलता है। सेक्स रेशियो, ऑल इंडिया मतलब कितनी महिलाएं हैं डिवाइडेड बाय कितने पुरुष हैं मल्टीप्लाई विद 100 आपको मिलेगा, बेस्ट है केरला, सबसे खड़े में हरियाणा। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से 6 से एज ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं सामने, कितने लड़के हैं, और उस प्रकार से हजार में आप रेट निकालो। ये भी फ्रॉम द ईयर 1971 इट इज़ ऑलवेज इन द नेगेटिव, मतलब लड़के ज़्यादा है लड़कियां कम है, धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है बट ऊपर नहीं गए हैं हम, मतलब हजार से ऊपर लड़कियां अभी तक नहीं हुई है, और ये सब हाईएस्ट लोएस्ट दिया है बट कॉस्ट बेनिफिट नॉट सो गुड। NCERT क्लास 12 सोशियोलॉजी, उससे एक प्रश्न बनाते हैं, मान लो ऐसा कोई देश है जहाँ पर सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन नहीं होता है, भ्रूण हत्या नहीं की जाती, और वहाँ पर कोई भी जेंडर स्पेसिफिक वायलेंस भी नहीं है, मतलब बेटी को ज़्यादा अच्छा खाना, बेटी को कम अच्छा खाना, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, दहेज की समस्या, ये वो कोई तकलीफ नहीं है, तो वहाँ पर सेक्स रेशियो कैसा होगा? सेक्स रेशियो विल बी इन फेवर ऑफ फीमेल्स, या फिर कि विल बी फेवर इन ऑफ मेल्स, या फिर कि सेक्स रेशियो विल बी 1, जितने महिला उतने पुरुष होंगे, या फिर कि इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, क्या जवाब होगा सोचिए। NCERT ने बोला है कि जब ऐसी ही परिस्थिति होगी तो देखिए सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन नहीं है तो मतलब बच्ची पैदा हो जाएगी, एंड गर्ल चाइल्ड का इम्यूनिटी बॉय चाइल्ड से ज़्यादा होता है, सो मोर लाइकली कि वो सर्वाइव करेगी, और उसी प्रकार वो जेंडर स्पेसिफिक वायलेंस भी नहीं है तो ओल्ड एज तक वो लेडी जिंदा रहेगी, और ओल्ड एज में महिलाओं को कुछ प्रकार के रोग जो पुरुषों को होते हैं वो नहीं होते हैं, सेकेंड वॉर और उसमें वो उनका डेथ नहीं होता है, सो देयरफॉर ओल्ड वीमेन विल ऑल्सो लिव लॉन्गर। देयरफॉर यहाँ पर सेक्स रेशियो क्या होगा, इट विल बी इन फेवर ऑफ फीमेल, मतलब अगर 1000 पुरुष होंगे तो महिलाएं 1000 से ज़्यादा होंगी, जैसा कि केरला के 2026 के एज पिरामिड प्रोजेक्शन में आप देख सकते हो, नीचे भी लड़कियाँ ज़्यादा और आप ऊपर देखिए, ये 40 की उम्र के बाद वाला रेड पोर्शन उस तरफ का ट्राइंगल इट इज़ वाइडर, मतलब कि महिलाएँ उस वक्त ज़्यादा होंगी, और एकदम हाइएस्ट 80 ईयर्स वाला में देखिए पुरुषों का इतना ही वीड है और सामने महिलाओं का ज़्यादा है, बिकॉज देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर, तो जवाब होगा सेक्स रेशियो विल बी इन फेवर ऑफ फीमेल्स। एक और सवाल बनाते हैं उसी किताब से, भारत में सेक्स रेशियो के बारे में ये स्टेटमेंट है, कौन सा सच्चा झूठा पकड़ो। भारत के एकदम खाते पीते सदर प्रांतों में सेक्स रेशियो इज द लोएस्ट, पहला वाक्य। दूसरा, मैटरनल मॉर्टालिटी इज हाइएस्ट इन द मोस्ट बैकवर्ड रीजन। थर्ड, माइग्रेशन के सोर्स एरिया में सेक्स रेशियो हाई, मतलब फीमेल के फेवर में होता है, और जवाब ऑल ऑफ अबव। सोचिए, देखिए पहला वाक्य सही है, पंजाब हरियाणा जो सदर खाते पीते प्रदेश हैं
वहां पर सेक्स रेशियो कम होता है, कारण क्योंकि वो सदर प्रांत है तो दूसरी जगह से माइग्रेंट लेबरर वहां पर आएंगे, तो ऑब्वियसली आदमी ज्यादा होंगे महिलाएं कम होंगी। और दूसरा यहाँ क्योंकि प्रॉस्परस रीजन है तो सोनोग्राफी सेक्स सिलेक्टिव डिटर्मिनेशन एबॉर्शन वो भी फूला फाला माहौल बन जाता है। सो बिकॉज ऑफ दोज रीजन एक तो सेक्स सिलेक्टिव वहाँ पर सेक्स रेशियो कम होता है। सेकंड मेटरनल मोर्टालिटी, तो बैकवर्ड ये ओडिशा देख लो झारखंड देख लो रोड वगैरह की समस्या नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर खड्डे में गया है सो ऑब्वियसली मेटरनल मोर्टालिटी विल बी वेरी हाई। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ओडिशा या ऐसा कोई प्रदेश जहाँ से लोग माइग्रेट होके बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में ऑब्वियसली तो वहाँ पर महिलाएं बचेंगी और पुरुष तो सब चले गए हरियाणा या कहीं और, सो देयरफॉर सेक्स रेशियो विल बी हाई इन द सोर्स एरिया ऑफ माइग्रेशन। इवन विद इन दिस प्रॉस्परस रीजन आप अगर फॉर एग्जाम्पल गुजरात तो बारिश की सीजन में सेक्स रेशियो निकालो इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि उस वक्त ये माइग्रेंट लेबरर वो वापस चले गए अपने राज्य के अंदर खेती के लिए, होली दिवाली में निकालो वो कुछ और आंकड़ा दिखाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स, केयर तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम लोग महिला और बालकों की हेल्थ केयर, प्रेगनेंसी, इम्यूनाइजेशन उसके रिलेटेड चीज़ें देखी। अभी ईयरबुक में से महिलाओं के लिए मेन मेन स्कीम कौन सी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, भारत के सबसे खड्डे में गए 100 डिस्ट्रिक्ट जहाँ सेक्स रेशियो इज लोएस्ट वहाँ इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम है, और साथ में ही सुकन्या समृद्धि योजना फिक्स डिपॉजिट टाइप की स्कीम, ये मेरे आर्टिकल लिंक पे आप जाएंगे ज़्यादा माल मिल जाएगा। अब बच्चियों के अंदर मतलब 11 से 18 की उम्र में तो वहाँ पर माल न्यूट्रिशन की समस्या से लड़ने के लिए तो ये सबला स्कीम लेके आए, फिर लगा कि नहीं बच्चों के नहीं वो किशोर के लिए भी होना चाहिए तो बॉयज़ के लिए वही स्कीम, उसका नाम कर दिया सक्षम। फिर कि 18 से उम्र की ऊपर की महिलाएँ हों वहाँ पर माल न्यूट्रिशन के लिए क्या, तो स्नेह शिविर ऐसा एक नई स्कीम लेके आए। महिला समाख्या, ये निरक्षरता के लिए तो एडल्ट साक्षर भारत अभियान, बट उसके अलावा भी ये ग्रामीण महिलाओं में शिक्षण बढ़े उसके लिए उनका एक ग्रुप जैसा बनाएंगे, वहाँ आशा वर्कर जैसी कोई बहन आएगी और आपस में डिस्कस करके दे विल गेन एजुकेशन, महिला समाख्या स्कीम HRD वाले लेके आए। अब मान लो कि उसने पढ़ भी लिया और आगे वो सिटी में काम करने के लिए जाते हैं तो वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल तो वो महिला बाल विकास वाले चलाते हैं, स्टेप तो ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए तालीम देंगे, और यही काम जब यूपी बिहार के कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में किया जाए मिड गैंजेटिक प्लेन में, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे लाइवलीहुड एम्पावरमेंट वगैरह, तो उसे बोलेंगे प्रियदर्शिनी। राष्ट्रीय महिला कोष, ये महिला बाल विकास मंत्रालय के हाथ में पैसा रहता है जहां से वो माइक्रो फाइनेंस के लिए NGO को देते हैं जो नीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखे थे, मतलब डायरेक्टली महिला बाल विकास वाले सीधा कोई महिला को लोन में पैसा नहीं दे रहे हैं। स्वदर स्कीम, वीमन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, जेल में से अभी निकली है या उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, विधवा है, डिजास्टर में उसका पूरा परिवार चला गया, आतंकवादी हमले में पूरा परिवार चला गया, तो उन सब के लिए हॉस्टल स्टे एट होम प्रकार की सुविधा दैट इज स्वदर स्कीम। उसके बाद उज्ज्वला, तो वेश्यावृत्ति में से बचाई गई महिलाओं के लिए ये वाली स्कीम, महिला बाल विकास वाले चलाते हैं। फिर एक और उज्ज्वला 2016 में लेके आए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की BPL महिलाओं के नाम पर LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। देखिए एज सच शुरुआत में ये मोदी जब अपनी स्पीच दे रहे थे इवन PIB की इनिशियल आर्टिकल्स में वो कि फ्री LPG कनेक्शन आए, BPL घर में भी उज्ज्वल हो जाए स्टोव एंड लाइक दैट दे वर सेइंग, बट फिर जैसे हमारे यहाँ राम का इंग्लिश में फिर रामा कर देते हैं, भगवान बुद्ध तो बुद्धा है, तो उज्ज्वल वो टर्म से कुछ चल रहे थे बट फिर मारपीट के कर दिया उज्ज्वला, तो अभी दो उज्ज्वला हो गई, एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वाले और दूसरा की वेश्यावृत्ति से बचाए उनके लिए। पूर्ण शक्ति केंद्र, मतलब ये सारी इतनी सारी ढेर सारी स्कीम है ऑब्वियसली गांव में तो महिला को क्या पता होगा, तो वो उनके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा पूर्ण शक्ति केंद्र, वहां जाके वो पूछ सकती हैं, फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, उनको सबको मदद की जाए, दैट इज पूर्ण शक्ति केंद्र। इसके अलावा महिला बाल विकास वाले स्त्री शक्ति पुरस्कार 6 कैटेगरी में देते हैं 3-3 लाख रुपये के इनाम, और ये अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी हिस्टोरिक फिगर ऐसी महिलाओं के नाम पर ये इनाम रखे हैं, तो कौन सी वो हिस्टोरिक फिगर थे, कौन से राज्य से बिलोंग करती, क्रोनोलॉजी में क्या कितना काम किया उन्होंने, फॉर हिस्ट्री कल्चर में कुछ पूछ ले तो आप ये स्लाइड आराम से घर पे पढ़ लेना। और क्या महिला और बालकों के लिए 1990 में एक कानून के तहत ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया, फिर 2006 में एक दूसरा कानून लेके आए जिसके लिए बालकों के लिए कमीशन बनाया, सो दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, और 2016 में ये पेम राजपूत कमेटी ने जो कुछ सिफारिशें की थी उसको कॉग्निशंस में लेते हुए नई न्यू पॉलिसी फॉर वीमेन लेके आए,
ज़्यादातर बोल बच्चन है इसलिए मुख्य परीक्षा में देखेंगे, प्रीलिम में खास उपयोगी माल नहीं है, सिवाय कि एक टर्म कृषि सखी, जैसे गांव में आशा वर्कर होती है हेल्थ केयर फैमिली प्लानिंग के लिए, उसी प्रकार ये कृषि सखी मतलब वो बहन सब को सिखाएगी कि एक्सटेंशन सर्विसेज, अच्छी खेती पशुपालन कैसे करना है। और क्या चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने बोला कि 2018 तक सभी मोबाइल के अंदर GPS होना चाहिए और पैनिक बटन इनबिल्ट, मतलब फोन डायल पैड में या 5 नंबर या 9 नंबर आप कंटिन्यूअसली दबा के रखो तो GPS सिग्नल के साथ वो पुलिस की हॉटलाइन पे चला जाएगा कि मैं अभी यहाँ पर मुसीबत में हूँ, जल्दी से मदद भेजिए। और ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो निर्भया फंड से पैसा यहाँ सर्कुलेट करेंगे। ओके, तो महिला बालकों के लिए मेन मेन चीज़ें देख ली, अभी विकलांगों के लिए क्या, रेल बजट 2016 में विकलांगों के लिए नया शब्द प्रयोग किया गया, दिव्यांग, फिर उनका के लिए जो डिपार्टमेंट है उसका भी नाम हिंदी में बदल के कर दिया, दिव्यांग विभाग। खैर, फॉर डिसेबल पीपल देयर इज अ लॉ इन द ईयर 1995 पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर उनका एक चीफ कमिश्नर होता है, मतलब दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्याख्या क्या है, 40% या उससे ज़्यादा आपका कोई अंग काम नहीं करा देन यू आर इन द डिसेबल कैटेगरी, मेंटल डिसेबिलिटी भी इसके अंदर कवर हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर का काम तो राज्य सरकार देखती है, तो ये विकलांगों की सुखाकारी का काम कौन देखता है, 11th और 12th शेड्यूल के हिसाब से, मतलब पंचायती राज बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज दे आर रिस्पॉन्सिबल। इनके लिए नई चर्चा में स्कीम चलती है अपनी सुगम्य भारत या एक्सेसिबल इंडिया, मतलब ये पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, उन सभी जगह पर विकलांगों के फ्रेंडली पूरा स्ट्रक्चर हो, स्टील या चढ़ने में वगैरह में, दैट वी विल ट्राई। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हाथ में एक सरकारी निगम भी है, अलिम्को, दैट इज आर्टिफिशियल लिम्ब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और कानपुर के अंदर लोकेटेड है। ओके, तो महिला बालक विकलांग देख लिया, अभी थोड़ा रिसर्च, इंडिया ईयरबुक में जो साइंस टेक और हेल्थ केयर के चैप्टर में है, सिलेक्टेड मैंने प्रीलिम उपयोगी टर्म्स उठाए हैं। क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, ये क्या है, एक हाइलोमा नाम की टिक, वो माकड़ जानवर को वो काटती है और जान पशुपालन में लगे लोग उनको वो ये वायरल फीवर लग जाता है, क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, गुजरात राजस्थान में पाया गया है, अभी कुछ रिसर्च चल रहा है, दवाई कोई निकल नहीं रही है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वाले इस पर काम कर रहे हैं। देन सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, वो पकड़ने के लिए मैग्नी विजुलाइजर, एक उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया। HIV वैक्सीन तो रिसर्च में उनकी पे ट्रायल कर रहे हैं, जापानीज एंसिपेलाइटिस का वैक्सीन पे काम किया और इस प्रकार से चल रहा है। हेल्थ केयर के अंदर रेडिएशन का भी महत्व है, तो BARC वाले क्या काम कर रहे हैं, आयोडीन 125 उन्होंने बनाया आई कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, रेडिएशन हाइड्रोजेल बनाया उस ट्रीटमेंट से कि आपको कहीं कुछ घाव लग गया, बर्न वॉर्न लेप्रसी, तो ये रेडियो हाइड्रोजेल आप लगाओ और तुरंत वो जल्दी जल्दी आपको वो पूरा रिकवर हो जाएगा। रेडियो इम्यूनो ऐसे AESSY ऐसे, मतलब वो ब्यूरेट पीपेड लेके जो हम एनालिसिस करते हैं, सो यूजिंग रेडियो इम्यूनो ऐसे हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, इन सब का हम मेजरमेंट कर सके, उससे भी डिसीज डिटेक्शन, फिर ये आर्थराइज TB डिटेक्शन, ये सब कुछ काम करने के लिए ये लोग कार्यरत हैं। एक और चीज़, फूड प्रिजर्वेशन में रेडिएशन का महत्व, नासिक के बाजू में लसन गाँव, वहाँ पर BARC ने एक प्लांट लगाया है, फूड इरेडिएशन प्लांट, ऑनियन, पल्सिस, रवा, टर्मरिक, उनको ऊपर रेडिएशन डालेंगे, एक्सरे, गामा रे, जिसकी मदद से ये जो फूड प्रोड्यूस है वहाँ पर इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और पोटेटो ऑनियन होगा तो वहाँ स्प्राउट ग्रो नहीं करेगा, वो एक्सरे के कारण उनके जो भी DNA वगैरह वहाँ पर इस प्रकार से चेंज आ जाता है। सो दैट इज़ द साइंटिफिक प्रिंसिपल, फूड इरेडिएशन में कौन से रे यूज होते हैं, कैसे वो मदद करते हैं। और क्या, ये तो मतलब एलोपैथिक टाइप का सब कुछ देख लिया हमने। आयुष, वहाँ पर सबसे लेटेस्ट सिस्टम कौन सी ऐड हुई, तो सोवार एक बार, दैट इज टिबेटियन मेडिसिन सिस्टम। क्या ये आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, ये सब दवाइयों के ऊपर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लगता है? हाँ लगता है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, तो लोग तुक्केबाजी में टिक करते हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, नो, इट इज हेल्थ मिनिस्ट्री के हाथ में आता है। UNGA ने June 21 उसे इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया है, और ये आगे चल के आयुष, वो पहले डिपार्टमेंट था, फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बना दिया है। नेशनल आयुष मिशन, तो ये कि इन सभी दवाइयों का तो प्रसार करेंगे, साथ साथ इनके लिए जो भी एजुकेशनल कॉलेज डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पर भी कुछ रिफॉर्म्स के प्रयत्न किए जाएंगे, दोनों उद्देश्य हैं आयुष के। इसके अलावा ये आयुष के अंदर अलग अलग सिस्टम, उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, बैक एंड हिस्ट्री कल्चर में कौन क्या किताब लिख के गया था, ML2 सीरीज में आप वो देख लेना, वहाँ पर माल मिल जाएगा। ओके, सो लाइक दैट, सेंसस भी खत्म, एजुकेशन भी खत्म, हेल्थ वीमेन वो भी देख लिया, अभी लास्ट फेज पे जाएंगे, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।